इस मछली के एलिगेटर की तरह दांत होते हैं। इस मछली के ऊपर जेब्रा की तरह पट्टियां होती हैं। ये मछली बाकी मछलियों से थोड़ी एग्रेसिव टाइप की होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए व्लॉग में। आज के इस व्लॉग में मैं आपको घुमाने वाला हूँ कानपुर चिड़ियाघर का फिश हाउस, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी प्यारी प्यारी रंग बिरंगी मछलियाँ। यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी मछलियाँ देखने को मिलेंगी जो आपने कभी नहीं देखी होंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ऐसे ही व्लॉग वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये फिश हाउस एक बड़ी सी मछली के आकार का बनाया गया है, जिसके अंदर छोटे छोटे एक्वेरियम में आपको मछलियां देखने को मिलेंगी। ये है फिश हाउस के बाहर का हरा भरा शांत और खूबसूरत सा नज़ारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फिश हाउस के अंदर और दिखाते हैं आपको यहाँ की मछलियाँ। सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर देखने को मिलेगी मलावी चिचिल्ड मछली। ये अफ्रीका की झीलों में पाई जाती है। इसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है और ये लगभग 10 साल तक जिंदा रहती है। इसके साथ कुछ और मछलियाँ भी हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस फिश हाउस में जितनी भी मछलियाँ हैं, LIC वालों ने उन सबका बीमा किया हुआ है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी विडो टेट्रा फिश, जो साउथ अमेरिका ब्राजील में पाई जाती है और ये 5 साल तक जिंदा रहती है। विडो टेट्रा के बाद आपको देखने को मिलेगी रियल गोल्ड फिश, ये चाइना में पाई जाती है। इसकी लेंथ 9 से 12 इंच तक होती है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। उसके आगे आपको देखने को मिलेगी मोली फिश, ये मेक्सिको टेक्सास फ्लोरिडा में पाई जाती है। मेल मोली 4 इंच की और फीमेल मोली 4.7 इंच तक की लंबाई की हो सकती है। इनका लाइफ स्पैन 3 से 5 साल तक का होता है। मोली फिश से आगे आपको देखने को मिलेगी प्लेटी फिश, जो कि मेक्सिको में पाई जाती है। इसकी लंबाई 2 से 2.8 इंच तक होती है। ये भी मैक्सिमम 5 साल तक जिंदा रह सकती है। उससे आगे आपको देखने को मिलेगी बबल आई गोल्ड फिश, ये चाइना में होती है। इसकी लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है और ये 10 से 15 साल तक जीवित रह सकती है। बबल आई के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगी जेब्रा डेनियो फिश, ये पूर्वी भारत और बांग्लादेश में पाई जाती है। इस मछली के ऊपर जेब्रा की तरह पट्टियाँ होती हैं और ये 5 साल तक जिंदा रह सकती है। उसके आगे आपको देखने को मिलेगी नियोन टेट्रा, जो कोलंबिया ब्राजील और पेरू में पाई जाती है। इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर तक होती है और इसका लाइफ स्पैन 10 साल तक होता है। इसके आगे आपको देखने को मिलेगी गप्पी बटरफ्लाई, ये ब्राजील बारबाडोस और गुयाना में मिलती है। इसकी लंबाई 3 से 6 इंच तक होती है। इसके आगे आपको देखने को मिलेंगी दो सुंदर सुंदर सी मछलियां, स्कॉट और ओरांडा गोल्ड, ये चाइना और पैसिफिक एरिया में पाई जाती हैं। इनसे आगे आपको सिल्वर शार्क और ओस्कर मछलियां भी आपको देखने को मिलेंगी, जो सुमात्रा पेनिनसुला साउथ अमेरिका और ब्राज़ील में पाई जाती हैं। इन सब के अलावा भी यहाँ कुछ और मछलियां दिखेंगी जिनके ऊपर उनकी नेम प्लेट नहीं लगी हुई है, तो पता नहीं उनका नाम क्या है। अगर आपको किसी को इन मछलियों के नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ये तो हो गई ऊपर वाले सेक्शन वाली मछलियाँ। अब चलते हैं नीचे बेसमेंट में और देखते हैं बेसमेंट में कौन कौन सी मछलियाँ हैं। नीचे बेसमेंट में आपको और भी सुंदर सुंदर मछलियाँ दिखाई देंगी, जिनमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी कार्प फिश। कार्प के बाद आपको देखने को मिलेगी मिल्की कार्प, ये यूरोप और एशिया में मिलती है। ये छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियाँ यहाँ सबसे सुंदर और सबसे प्यारी लगती हैं। कार्प फिश के बाद आपको देखने को मिलेगी
एलिगेटर मछली। इस मछली के एलिगेटर की तरह दांत होते हैं। इसके बाद आपको आगे देखने को मिलेगी टाइगर शार्क और व्हाइट कलर की एक सुंदर सी जायंट गुरामी फिश। काइकोर एरोवाना फिश भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सबसे आखिर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी फायर माउथ फिश। ये मछली बाकी मछलियों से थोड़ी एग्रेसिव टाइप की होती है। तो दोस्तों, ये था कानपुर जू का फिश हाउस, जहाँ पर मैंने आपको दिखाई ढेर सारी रंग बिरंगी सुंदर सुंदर मछलियाँ। ये मछलियाँ और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।